नमस्कार दोस्तों, आज और एक नए वीडियो के साथ में। और देखो आप, ड्राइवर की क्या क्या जिंदगी है, और आज पूरा पता लगेगा कि देखो ड्राइवर गाड़ी में खाना बना रहा है। और अभी तो लग गया भाई आटा। हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आटा लगा दिए? हाँ जी आटा लगा दिया भाई साहब। तो खाना आप ही खाओगे, मुझे भी खिलाओगे? आप भी खा लेना भाई साहब। खिला दोगे? हाँ जी खिला देंगे। खिला दोगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये आटा लगा दिया। अच्छा अच्छा बेल ली। अच्छा, पर सब सब्जी काट के रख लिया है देखो। अच्छा अच्छा, हरे धनिए। अच्छा, ये कचरे की सब्जी है। कचरी की है क्या? हाँ जी। कौन सी कचरी है? ये गोल वाली है। अच्छा अच्छा, और ये लहसुन प्याज बड़ी टेस्टी से अच्छा काट के बारीक ही। अच्छा अच्छा, और इसमें मसाला ये इसमें डालेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से भूज के, सरसों का तेल है। अच्छा अच्छा, बढ़िया पकेगी। अच्छा आराम से, क्योंकि बहुत ये बढ़िया। खाना बनेगा आराम से। तो आप होटल पे क्यों नहीं खाते खाना? होटल पे साहब कहाँ से इतना पता आएगा। तनख्वाह भी हुआ हिसाब से मान लो 100-200 हज़ार खा लेंगे तो फिर 5-6 हज़ार का तो वो ही आ जाएगा मेंटेनेंस खाने में। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है खुद हाँ, बनाते इससे हो? अपने खुद बनाते हैं ना, सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा मिर्ची मसाला भी खुद के हिसाब से हो हाँ जी जाता हाँ है? जी, अपना जितना तेज खाना है नॉर्मल खाना है अपने हिसाब से खाते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अभी बना लेते हैं, शाम को भी इसी को खा लेंगे। तो मैं आपको बोला था आप समय पे खाना खाया करो, इतना लेट खाना खा रहे हो आप। टाइम ही नहीं है साहब, आज ये वो कपड़े धोए, गाड़ी धोई थी, वो कम्बल भी धोया। नहीं, वो बात तो सही है भाई, टाइम नहीं है, लेकिन देखो शरीर, खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा हाँ अपना, है बात तो सही है, हर भाई। आप पहले देखना कमज़ोर हो और फिर आप और ज़्यादा कमज़ोर हो क्या जाओगे। करें साहब, करना तो पड़ेगा, हर काम देखना पड़ता है। अरे भाई बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन यार थोड़ा शरीर का भी ध्यान दो भाई। अब देखते हैं कुछ फैसिलिटी मिले सरकार से और कंपनी से तो और बढ़िया बात है। अच्छा, तो आप एक बार आपका कुछ परिचय दोगे, क्या नाम है, कहाँ से हो आप? हम उत्तर प्रदेश से हैं, जिला एटा। अच्छा, हाँ नरेश बाबू नाम है। नरेश बाबू। हाँ जी। अच्छा, तो परिवार है अपने? हाँ जी परिवार है, दो बच्ची हैं। दो बच्चे हैं? हाँ बच्चियाँ हैं दोनों? दोनों बच्चियाँ हैं। और अभी कुछ दिनों पहले भी तो डिलीवरी हुई थी ना? हाँ जी, वही बच्ची है दूसरी। अच्छा, दूसरे नंबर की बच्ची हाँ है। अच्छा, तो मम्मी पापा भी है आपके? पापा हैं, मम्मी नहीं। मम्मी एक्सपायर हाँ हो गई? मम्मी एक्सपायर हो गई। अच्छा अच्छा, 1.5-2 महीने का छोड़ के। आप, अच्छा उस समय आप 1-1.5 महीने के थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, तो कितना क्या दाढ़ी मजदूरी मिल जाता है आपको गाड़ी चलाते? वही है 20-1 हज़ार रुपया बस? हाँ जी। अच्छा, फिर गांव कब जाते हो आप? काम जाते हैं 2-3 महीने में। 2-3 महीने? हाँ। अच्छा, तो घर पे रोज बात हो जाती है आपकी? हाँ घर रोज बात हो जाती है। अच्छा, परिवार सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल है। अच्छा, तो चालू करो खाना। हाँ बनाओ। चालू करते हैं। पहले रोटी बनाओगे सब्जी बनाओगे? पहले रोटी बनाएंगे। क्या ना, ये रोटी बना के अपना, यार परेशान हो जाते होंगे यार आप। साहब सब काम देखने पड़ते हैं। हिसाब से देखो दोस्तों, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा पहले रोटी बनाओगे? हाँ ये बर्तन भी धुल जाएंगे, सब्जी बना के रख देंगे। अच्छा, आराम से। ठीक है तो दोस्त। हाँ ठीक है साहब, हमारी दुआ आपके साथ है, आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप मज़े से ज़िंदगी जियो, क्योंकि दुख सुख गरीबी है मेरी चलती रहती है भाई। अपने हिसाब से आप बढ़िया जियो ज़िंदगी अपनी और मस्ती से करो काम। और संघर्ष तो एक ज़िंदगी है, संघर्ष करना पड़ेगा ज़िंदगी के अंदर। वो तो क्या करें। हाँ जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको थोड़ा आप समय से खाना खा लिया करो। आज काम हो गया थोड़ा सा, इसलिए खाना तो 9-10 बजे बना के रेडी कर देते हैं। अच्छा, आज ही होगी ज़्यादा लेट? ये कम्बल हम्बल धोते हैं ना, वो कपड़े इकट्ठे थे, गाड़ी भी गंदी हो रही थी, गाड़ी भी धोई थी। अच्छा गाड़ी धोई थी, कहाँ पर? यहाँ ही धोई थी क्या? हाँ।
पूरी सो गंदी हो रही थी ना बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश हुई थी ना। अच्छा, आप रोटी तो बहुत गोल बेल लेते हो। हाँ जी साहब, ये हमने सुबह 2009 से काम कर रहे हैं। अच्छा, काफी टाइम हो गया, लंबा समय हो गया, तो आपको थोड़ा अनुभव हो गया। 2011 से ड्राइवरी करने लग गए। अच्छा अच्छा, तो इसी गाड़ी से ही भर घर परिवार चलाते हैं और कुछ है नहीं। तो ये वीडियो जैसे मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ तो आपको कोई परेशानी? ना ना, कोई साहब नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई मिसाल दे रहे हैं ताकि सभी लोगों को पता होना चाहिए, हाथ पांव से मजबूत है, काम कर सके सारे बंदे। हाँ, अच्छी तरह से। ये नहीं के नहीं नहीं, कोई कई लोग जो मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तो इनके लिए बढ़िया है कि मेहनत करना जरूरी है। करना जरूरी है, और कोई चोरी नहीं है। शर्म करोगे तो भूखा मरोगे, कहने का मतलब। सही बात है, मेहनत करते हैं, आपको भी पता है साहब। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें। और भाई एक बार नाम बताना आपका। नरेश बाबू है। नरेश बाबू के लिए एक लाइक तो बनता है भाई साहब, और बहुत अच्छे अच्छे विचार के आदमी हैं, बिल्कुल अच्छे नाइस बंदे हैं। और ये अब खाना बना रहे हैं, और इनका खाना बन रहा है, पहले रोटियां बन रही है फिर सब्जी बनेगी। तो इन लोगों के लिए लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों।